आर्थिक सम्मान के लिए एक छोटा सा घर होता है। समाज में बेघर घरों को सरकारी योजना के तहत इंदिरा आवास दिया जाता है। 35,000 रुपये गरीबी रेखा के नीचे लोगों को दिया जाता है और 3 किस्त में दिया जाता है। अभी जो यहाँ पे जो सुविधा दी जा रही है वो पूरा नहीं दी जा रही है। मुझे प्रथम किस्त 17,500 रुपये प्राप्त हुआ है। द्वितीय किस्त हेतु 12,500 रुपये के प्रस्ताव सरपंच सचिव द्वारा भी दिए थे। बैंक में प्रबंधक महोदय जी को दिखाया तो प्रबंधक महोदय जी ने कहा कि सीओ से आप अनुमति लेकर आइए या सरपंच सचिव कर को लेकर साथ में आइए। एक रोज़ स्वयं सचिव भी मेरे साथ गया था तो अंतिम बताया कि पैसा नहीं आया है। अभी इन द्वितीय किस्त के लिए सरपंच सचिव द्वारा फिर गया तो 12,500 का विड्राल चेक पर मुझे 10,500 ही रुपए दिए, 2,000 रुपए कटौती कर दिए। मैं कहा कि क्यों काटा गया है सर? नहीं, आप मेरे विरुद्ध ग्राम स्वराज पर शिकायत किए थे, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कितनी पहुंच है, आपकी कितनी राजनीति नेतागिरी करते हैं, अब इस बार मैं 2,000 रुपये काट के दिया हूँ। लगातार इंदिरा आवास योजना के पंचायत में आवेदन दिए, उसके बाद स्वीकृत हुआ और एक किस्त मिला। उसके बाद पूरा मकान बना चुके थे और दूसरे किस्त नहीं मिलने के कारण बरसात जल्दी शुरू हो गया और मकान जो है पानी में ढह चुका। पिछले एक साल से अपनी किस्त का इंतजार कर रहे हैं ताकि अधूरे पड़े कार्य को पूरा करके गृह प्रवेश कर सकें। आगे हम और प्रयास करना चाहते हैं और जब पैसा मिल जाएंगे तो फिर से घर को मतलब बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि जो भी विकास का काम हो रहा है वो प्रभावशाली ढंग से हो ताकि चौमुखी हो, एक तरफा ना हो। मैं भानसा हूँ, इंडिया अनहट के लिए।